नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रमन, एस्ट्रो सेज के वी पर आपका स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ संक्षिप्त राशिफल 2021। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी चीज़, एस्ट्रो सेज वार्ता ऐप को तुरंत डाउनलोड करिए। उसी के जरिए आप मुझसे कभी भी जब आपका मन करे तब बात कर सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, सभी समस्याओं का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि वर्ष 2021 में किस राशि के जातकों के लिए क्या क्या छुपा हुआ है। शुरू करते हैं मेष से। मेष राशि वालों में जिनकी शनि और गुरु की दशा चल रही है, उनके लिए जॉब और बिजनेस में काफ़ी लाभ है। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या नहीं है। फरवरी के महीने में आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं है। बात करते हैं वृषभ वालों की। पारिवारिक मुद्दे, लव प्रॉब्लम, वैवाहिक जीवन के मुद्दे, राहु या केतु से पीड़ित लोगों के लिए नौकरी में गिरावट देखी जा रही है। थोड़ा संभल के रहिए, बड़े निवेश करने से बचें, जैसे कि बड़ी गाड़ी या बड़ा मकान। मिथुन वालों की अगर बात करें तो पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, लेकिन आपके विवाहेतर संबंध अर्थात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। मतलब आप अपना दिल किसी को देने वाले हैं, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष। और शादीशुदा जीवन में ऐसा करना ठीक नहीं है, फिर भी होनी को कौन टाल सकता है। शनि और गुरु की दशा वालों को नौकरी में बहुत अधिक वृद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी सबके लिए बाकी अच्छी ग्रोथ है। चल अचल संपत्ति खरीदने के लिए अच्छा वर्ष है, लेकिन थोड़ा संभल के। कर्क राशि वालों की अगर बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन ठीक लग रहा है, लेकिन प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में उतनी अच्छाई नहीं दिख रही है। सावधान रहिए, तलाक हो सकता है। शनि, बृहस्पति और केतु दशा के लोगों को अधिक सफलता नहीं मिलेगी। थोड़ा प्रयास बढ़ाइए और मन में थोड़ा धैर्य धारण करिए, तभी आगे काम बनेगा। कोई बड़े निवेशों से बचिए, शेयर मार्केट से दूर रहिए। सिंह राशि वालों के लिए इस साल प्यार नहीं है। आप में से कई लोगों के लिए तलाक होने की बहुत संभावना है। स्वास्थ्य के मुद्दे बहुत परेशान करेंगे, लेकिन आपको एक सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखनी है कि अपनी माता जी के स्वास्थ्य को जरा भी नज़रअंदाज नहीं करना है। थोड़ी सी भी समस्या हो तो तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह लें, वही आपके लिए इस वर्ष सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। कन्या वालों की अगर बात करते हैं तो कन्या वालों में केवल जिनकी शुक्र की दशा चल रही है, वही लोग सभी जगह अच्छाई देखेंगे, बाकी लोग नहीं। कन्या वालों के लिए बेसिकली खराब साल है। तुला वालों के लिए अगर देखते हैं तो तुला वालों को ध्यान रखना है कि आपके ऊपर काला जादू होने जा रहा है, आप मानो चाहे नहीं मानो। इस क्षेत्र के अच्छे व्यक्ति से आप सलाह लीजिए, अन्यथा अधिकतर लोगों के लिए चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अगर आप राहु केतु की दशा में चल रहे हैं, मतलब आपका 2021 में राहु का अंतर प्रत्यंतर महादशा अंतरदशा चल रही है, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। वृश्चिक वालों की अगर हम बात करते हैं, सिर में किसी भी मामूली से दर्द की उपेक्षा मत कीजिएगा। डिस्प्रिन खाइएगा, पैरासीटामोल लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर बार बार दर्द हो रहा है, कान में सीटी बज रही है, ब्रेन स्पेशलिस्ट को दिखाइएगा। ब्रेन ट्यूमर होने की आपको इस वर्ष बहुत अधिक संभावना है, विशेष रूप से जो अधिक आयु वर्ग में लोग हैं या जिनका जो खान पान है सिगरेट, शराब, इन सब चीज़ों का अधिक इस्तेमाल करते हैं, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। प्रेम में अधिक आपको नहीं रहना चाहिए, पेट के विकार आपको हो सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि वालों की। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, इस साल सभी कुछ अच्छा दिख रहा है, इसलिए आपको 2 थम्स अप। मकर राशि वालों की बात करते हैं तो मकर राशि वालों के लिए आपका जो पारिवारिक जीवन है और वैवाहिक जीवन है वो वास्तव में बहुत अच्छा दिख रहा है। कोई खास बुराई नहीं है, जो कुछ भी होगा आप अपनी बातचीत से कंट्रोल कर लेंगे, सब संभल जाएगा, कोई बड़ा मेजर इशू दिखता नहीं है। लेकिन इस वर्ष आपकी लव लाइफ नहीं है, लव लाइफ को लेके आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा, धोखा खाना पड़ेगा, मन में डिप्रेशन आएगा, देवदास बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा बच के रहिएगा, ऐसा मत करिएगा। जॉब, बिजनेस, हेल्थ, फाइनेंस, बाकी सब यहाँ अच्छा दिख रहा है। कुंभ राशि वालों की जहाँ तक बात है, आपका जो पारिवारिक जीवन है, कोई खुशी है, कोई अच्छा जीवन, सभी कुछ आपको ठीक लग रहा है, आपका पारिवारिक जीवन भी रहेगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके लिए सब कुछ अच्छा बना हो, आपका खुद का जो माइंडसेट है वो उस अच्छाई को लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट जो हो रहा है वो एकांत भाव में हो रहा है, मोक्ष भाव में हो रहा है। आप हर चीज़ से अपने को विरक्त करना चाहेंगे और विवाहेतर संबंध अर्थात आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आपको बहुत एक्यूट डिप्रेशन होने की संभावना है, डॉक्टर्स के टच में रहिएगा, किसी प्रकार की कोई मूर्खता वाली हरकत मत करिएगा, जैसे हमने 2020 के साल में बहुत लोगों को करते हुए देखा है, उससे बचिएगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों से बात करिएगा, लोगों को अपनी बातें बोलिएगा, कोई आपकी बात नहीं भी सुन रहा है तो उससे बात कीजिएगा, अपने मित्रों से टच में रहिए, फिल्में जब शुरू हो जाएँ तो फिल्में देखिए, अकेला अपने आप को मत छोड़िए, अकेलापन आपके लिए इस साल बहुत ही घातक है।
मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए जो वर्ष 2021 है, आपको सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखनी है कि भाग्य आपको कभी भी धोखा देगा, लेकिन बाकी सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं। सावधान रहना चाहिए, लोगों के लिए नौकरी है, प्रोग्रेस है, सब कुछ है, घर मकान गाड़ी सब कुछ है इस साल, लेकिन आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है। घर में बैठे अच्छे पति अच्छे पत्नी को छोड़ के आप बाहर कहीं अपना मन लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, इससे बचिए, ये अच्छा नहीं है। जब घर पर सब कुछ अच्छा है तो फिर बाहर क्यों परेशानी पैदा करना। तो मित्रों, ये था संक्षिप्त राशिफल वर्ष 2021। मुझसे जुड़े रहने के लिए, मुझसे बात करने के लिए एस्ट्रोसेज वार्ता को अभी डाउनलोड करें और मुझे कॉल करें। जो भी आपके मन में प्रश्न है, जो भी आपकी समस्या है, मुझसे बात करके उसका तुरंत निदान पाएं। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको इस चैनल को जरूर लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल बटन प्रेस करना है, जिससे कि नए नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलते रहें। और फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात, प्यार पैसा परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।